दोस्तों पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम में 8 बड़े बदलाव। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले पहले टेस्ट मुकाबले के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 8 बड़े बिग चेंजेस कर दिए गए हैं, जिसे देख पूरी बांग्लादेश टीम हैरान है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल 19 अगस्त से शुरू हो रहे पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला 19 अगस्त को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू होगा, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बने नए हेड कोच ने पाकिस्तान टीम में 8 बड़े बदलाव कर डाले हैं। दोस्तों तो आइए नजर डालते हैं पाकिस्तान टीम में हुए 8 बड़े बिग चेंजेस पर। दोस्तों पहले बदलाव के तौर पर पाकिस्तान टेस्ट टीम का कप्तान शान मसूद को सौंपा गया है। हालांकि टीम में बाबर आजम भी बतौर बल्लेबाज मौजूद रहेंगे। इसके अलावा दूसरे बदलाव के तौर पर पाकिस्तान टेस्ट टीम में शौस अकील और तीसरे बदलाव के रूप में आशिफ अली की एंट्री हुई है। इसके अलावा चौथे बदलाव के रूप में मोहम्मद हारिस और पांचवें बदलाव के तौर पर जमान खान पाकिस्तान टीम में शामिल रहेंगे। वहीं छठे बदलाव पर नजर डाले तो पाकिस्तान टेस्ट टीम में मोहम्मद आमिर भी नजर आएंगे। इसके अलावा सातवें बदलाव के तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मोहम्मद हुरैरा की एंट्री कराई जा रही है। वहीं आठवां और आखिरी बदलाव के तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में विकेट कीपर सरफराज अहमद को पाकिस्तान की टेस्ट टीम में वापस लाया गया है, जो बांग्लादेश सीरीज के दौरान पहले टेस्ट में मैदान पर दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको कौन सा बदलाव अच्छा लगा, नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।